वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ओके गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी लास्ट मिनट्स डीआईवाई दिवाली क्राफ्ट आइडियाज, प्लस वो मंदिर के भी क्राफ्ट हैं आपकी, थोड़ी बहुत दिवाली के भी क्राफ्ट हैं। तो आज मैं आपको क्विक और बहुत ही अमेजिंग वाले दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैं ले रही हूँ एक थाल जो कि हमारी दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स पे आती है। सो गाइस, मैं भी न्यू हाउस में शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे को अपने मंदिर के लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक वो चाहिए था, मतलब एक टाइप ऑफ अ डिस्प्ले बोर्ड ऐसे लग जाए और उसके नीचे हमारे भगवान बैठे हूँ। तो उसके लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स की थाली ली है। ये मतलब मैंने 2 ईयर्स बैक आई थी और मैंने इसको थोड़ा बहुत पेपर से कवर कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा 3D आउटलाइनर से बनाया तो वो थोड़ा रुअन हो गया, तो फिर मेरे को इससे कंप्लीट इसको रैप करना पड़ा। तो अब देखिए क्या स्टेप्स हैं आगे की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लीजिए एक ग्लिटर फोम शीट, तो कि ऐसे जो लग जाए, तो मैं इसको यहाँ लगाने की सोच रही हूँ, बट उससे पहले मुझको इसको कवर करना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा पार्ट दिखेगा। तो अब मैं यूज़ करूँगी इसको चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू मेरे को सही लगता है फोम शीट को लगाने के लिए, वरना फेविकॉल बहुत टाइम लेता है और ग्लू गन मेरा चलाने का पता नहीं मन नहीं कर रहा है इसलिए, और प्लग बहुत दूर है। तो मैंने क्या करा, इसको फैब्रिक ग्लू को लिया। फैब्रिक ग्लू एक ऐसा ग्लू है जो कि बहुत ही अच्छे से और इजीली बॉन्ड कर देता है आइटम्स को। ठीक है, तो मैं ऐसे इसे लगाए जा रही हूँ और ये मंदिर के लिए DIY बना रही हूँ, और इसे ऐसे लगा के और इसे जल्दी से मैं पेस्ट कर देती हूँ ग्लू को फैला के। सो यस गाइस, ये मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से इसे बॉन्ड कर दिया है। अब ये मार्केट में आपको मिलेंगे ये रंगोली डिजाइन्स, तो ये रंगोली डिजाइन्स 20 तक के आते हैं, और ये मेरे को दिवाली का भी मिला है। या तो उल्टा दिख रहा होगा मिरर इमेज या फिर सीधा दिख रहा होगा, मेरे को नहीं पता। तो ये दिवाली के भी आते हैं, पर मैं दिवाली का इसलिए नहीं बना रही बिकॉज मेरे को हर टाइम लगाना है। अगर आप स्पेसिफिकली दिवाली के लिए बना रहे हैं तो आप ये दिवाली का स्टिकर यूज़ करें। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रंगोली वाला। तो गाइस, अभी मैंने इसका अरेंजमेंट यही रखने वाली हूँ, मिडल से स्टार्ट करूँगी। ओ नो, ऐसा ही है। अच्छा, और ये स्टिकर्स इजी होते हैं, अगर मैं काट के लगाती तो पता नहीं मैं क्या काट देती और क्या लगा देती। और या आप ये कोई भी कलर में चूज कर सकते हैं, तो इसको मैं लगा देती हूँ जल्दी से, और मैं थोड़ा सा गैप वैप छोड़ती रहूंगी बिकॉज उससे वो प्यारा लगेगा, है ना। और ये बहुत ही इजी होता है, ये तो कोई भी बना सकते हैं देखिए, बिकॉज ये पील ऑफ स्टिकर्स है और ये कुछ नहीं है और पील ऑफ है बस। मैं जल्द से लगा देती। तो गाइस, अगर आप पूछे तो ये सबसे इजी वाला DIY है जो कि मैंने अब तक दिवाली पे बनाया है, बिकॉज इस पे कुछ नहीं करना है, पेपर लगाओ और बस ये रंगोली चिपका दो। और ये रंगोली लिटरली स्पेसिफिकली मंदिर्स के लिए ही होती है, और आप जैसे क्राफ्ट्स करते हैं उसके लिए और घर पे भी लगा सकते हैं वो है। तो मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा बहुत ज़्यादा ही, और ये आप किड्स के साथ कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही किड फ्रेंडली है और ये किड्स भी बना सकते हैं ये वाला क्राफ्ट। ठीक है गाइस, तो ये हो गया, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो अब मैं इस पेपर की पतली पतली स्ट्राइप्स कट करके ये कोने में लगा दूंगी बिकॉज फिर ये देखिए अनइवन से लग रहे हैं, जल्द से लगा देती हूँ। तो गाइस फाइनली रेडी है इसके कॉर्नर्स के साथ, और हाँ गाइस, ये अभी सूखेगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और या गाइस, इसको आपको पूरा बनने के बाद तो ओवरनाइट सूखने देना है बिकॉज मैं तो उतना ही करूँगी। और अब मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने वाली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे वन में। या तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मोर पंख भी लगा दूँ बिकॉज मोर पंख इज अ वेरी कूल एंड पॉजिटिविटी साइन। मैं सोच रही हूँ इसे लगाने का, तो चलिए फिर ट्राई करती हूँ। लो लगे, हाँ। अब मैं ले रही हूँ स्वास्तिक, और एक स्टिकर स्वास्तिक ले रही हूँ मैं बिकॉज मेरे को फिर काटना नहीं आएगा और मैं सारा रुविन कर दूंगी, दैट्स वाई। तो या गाइस, हमारा हो गया, कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ बिकॉज उसका बॉर्डर वगैरह सब है। तो अब आप एंड पे देखिएगा कैसा लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट DIY बनाने वाली हूँ मैं एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर पूजा थाली।
तो आपके पास कोई ऐसी अजीब सी कोई प्लेट होगी तो आप वो लेंगे ना इसके, मतलब ये थोड़ी ओल्ड सी हो गई है, या फिर आप इसको प्लांटर के लिए रख सकते हैं, मतलब ये स्पेशली फेस्टिव सेशन है तो देखते क्या करना है। अगर जब कोई भी प्लेट लो आप, एक मिक्सिंग पैलेट भी ले लो, मेरे पास पैलेट नहीं मिल रही थी तो मैंने ऐसे ही किसी पोस्टर कलर का रंगकर ले लिया। अब आप ले लो एक वाइट पेंट या जेसो, तो एक्रेलिक पेंट हो तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास पोस्टर कलर था तो मेरे को वही यूज़ करना पड़ गया। तो इधर मैं एक्रेलिक पेंट बना रही हूँ, और अब इसके अंदर आप फेविकॉल डाल देना है। क्वांटिटी में कुछ मेजर नहीं पता तो मैं उतना ही डालती हूँ जितना पोस्टर कलर लेती हूँ, या उससे थोड़ा सा कम ऐड कर लूँ। और अब आपको डालनी होगी 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। मैंने सिरिंज से डालना सही समझा, बिकॉज उससे ज़्यादा अच्छे से डलता है मेरे को लगता है बिल्कुल। या गाइस, तो अब आपको चाहिए वो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज नहीं मिल रहा था मेरे को तो मैंने कॉटन को ले लिया, मे बी ये वर्क कर जाए। या गाइस गाइस कर गया, बस ये हमें बेस कोट देनी है तो ये कैसा भी हो सकता है। एक्रेलिक पेंट प्रेफर करती हूँ, बट ये पोस्टर कलर भी एक्रेलिक पेंट की तरह ही काम कर रहा है मेरा तो, बिकॉज इसके अंदर फेविकॉल डाल दिया है, और फेविकॉल इसलिए डाला है ताकि ये टिका रहे कलर, क्योंकि पोस्टर कलर पानी में जाते ही उतर जाता है, ये टिका रहेगा जब तक आप इसको वार्निश नहीं कर देते। ठीक है, अब आ जाती हूँ मैं अपने असली सरफेस पे। तो या गाइस, तो एक्चुअली वो मेरा मैट गंदा हो जा रहा था तो इसलिए मैंने ये सरफेस ले लिया है। अब इसे अच्छे से कोट कर देंगे, मुझे पता है इसमें डिजाइन तो दिख नहीं रहा है मेरी प्लेट का, बट क्या पता आ जाए फिर। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से कवर कर रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको कवर करना होगा इसे, बिकॉज ये बहुत ही खराब सी प्लेट हो गई है मेरी, तो इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से इसको कवर कर रही हूँ। तो मैं जल्द से कवर कर देती हूँ फिर। गाइस, अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक येलो पेंट। अब भाई मेरे को मिल ही नहीं है एक नॉर्मल पेंट ब्रश, बिकॉज जैसा कि अभी हमने शिफ्ट करा है तो इसलिए मैंने मेकअप ब्रश को यूज़ कर लिया, और इसको डीप क्लीनिंग दूंगी, बिकॉज ये वैसे तो क्लीन नहीं हो पाएगी ना नॉर्मली, तो इसको जैसू। सो या गाइस, इसको मैंने पूरा येलो कवर कर दिया है, मैं इसको रेड कोट दे रही हूँ, और ये मर्ज हो रहा है बिकॉज ये अभी गीला ही है। नेवर माइंड, इसे मर्ज होने ही देते हैं। आपको मैं प्रेफर करूँगी अगर आप प्रॉपर ब्रशेज उससे यूज़ करें, बिकॉज मेरा इतना क्लियरली होता नहीं है कभी, और अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ के भूल गई हूँ। बट यार ये भी अच्छे लग रहा है, बट पैर अब इसे हमें थोड़ा सा और एम्बालिश करना है। पेंट तो मेरे को लगता है इतना काफ़ी है, और ग्रीन ऐड कर दूंगी मैं, बट वो ऑफ कैमरा करूँगी मैं अगर मेरे को कोई आइडिया याद आ गया तो। डी और या गाइस, ये बहुत ही अच्छा डीआईवाई डेकोर है, बस मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और या गाइस, अब ये तो भाई सेकंड डीआईवाई है, 2 DIY ही बना पाऊंगी आज मैं, बिकॉज कल दिवाली है यार, आज छोटी दिवाली है, पर आपको भी तो बनाना है, और आपके लिए मैं इतने सारे आइडियाज दे देती थी, और मैं भी लास्ट में बना लूँ। कल मैं आपको दिखाऊँ कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, अगर मैं बना पाई ब्लॉग तो, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी डाली थी ब्लॉग वो ओल्ड हाउस में, आज मैं न्यू हाउस में डालूंगी। वाओ, ये ऑडली सैटिस्फाइंग होता है जब ये मिक्स करते हैं, देखिए तो प्यारा कलर आ रहा है, मेरी ब्रश का क्या हाल हो गया, इसको मैं साफ जरूर करूंगी। सो गाइस, आई एम डन विद दिस पूजा थाली एंड इट्स लुकिंग फैबुलस, एंड यू कैन इवन ट्राई दिस, इट्स टोटली फन मेकिंग इट, एंड जस्ट यू नीड इज ईयर ईयरबड, एंड जस्ट पुट दी ड्रॉप्स ऑन इट, एंड जस्ट पुट फेविकॉल ग्लिटर, एंड यू आर डन विद इट, एंड लेट इट ड्राई। एंड या गाइस, टुडे वी आर डन विद दीज 2 अमेजिंग फैबुलस डीआईवाईज, सो होप यू लाइक दिस एंड हैप्पी दिवाली। बाय।